लगातार पिंडां दे विच शहरां दे विच अपने पंजाब दे लोकां दे विच घूम रहे हां। जो मैनूं फीडबैक मिलती है, जो लोग मैनूं दसदे है, जिस तरीके दीआं मुश्किलां लोकां दे सामने आ रही है, वो मैनूं पता लग रही है। ते मैं एक एक मुश्किल दा हल करन लई वचनबद्ध है ते करनी है। इन्हां मुश्किलां दे विच इक बहुत वड्डी मुश्किल है पंजाब दे लोकां नूं बिजली दे बिलां दी। सो असीं उस दे विच काफी राहत देना चाहुंदे हां। जिहड़ियां एक दो किस्तां दे विच असीं वार वार मीटिंग करके डिस्कस करके ये राहतां दवांगे। सब तो बड़ी जिहड़ी समस्या मैं पिंडां दे शहरां दे विच जाके देखी है, वो ये है कि बहुत सारे लोकां दे बिल ज्यादा आउण करके वह जमा नहीं करा पाए ते उन्हां दे मीटर कट गए। हुण अज दे जमाने दे विच बिना बिजली दे रह रहे हैं कुछ बंदे, जिन्हें मेरे दिल नूं बहुत टुंबिया है। मैनूं दुख होया इस चीज का कि बिजली का मीटर कटिया होया है ते वो लोग बिना बिजली तो रह रहे। जो सरकारी फिगर मैनूं दित्ती गई है 55,000 तो 1,00,000 दे विच लोकां दे घरां दे बिजली दे कनेक्शन बिजली का बिल ना देण करके कटे हुए। सो उहदे वास्ते अज असीं अपनी कैबिनेट दे विच विस्तार पूर्वक विचार कीता है। 2 किलोवाट तक जिहड़ा कंज्यूमर है वह 53,00,000 है पंजाब दे विच, टोटल 72,00,000 कंज्यूमर है। सो लगभग 75-80% कंज्यूमर है जिहड़ा वह 2 किलोवाट दे विच विच आ जांदा है। ते मैं जो सर्वे कराया जो मैं देखिया ये जिहड़े कंज्यूमर दे 2 किलोवाट दे तक दे, चाहे उहदा 1 किलोवाट लोड है, चाहे उहदा 500 वाट लोड है, चाहे 1.5 किलोवाट लोड है, 2 किलोवाट तक दे कंज्यूमर जिन्ने हैगे है पंजाब दे विच, जिहड़े कि लगभग 80% है या 75% है टोटल आबादी दे, उहनां दा पिछला जिहड़ा बिल आया है, जिहड़ा पिछला बिल आया उहनां दा, उहदे विच एक तां पिछले महीने दा बिल लिखिया होया, एक बकाए लिखे हुए है वी तुसीं इन्ने दे डिफाल्टर हो। ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਏ। 1500 रुपया फीस है दुबारे कनेक्शन लाउण दी, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 53,00,000 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, 53,00,000 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇ ਹੱਲ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਖੜਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੈ ਜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਨੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। 55,000 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, 53,00,000 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਜੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5,000 ਦਾ, ਚਾਹੇ 50,000 ਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਤਾਂ 70-70,000 ਦੇ, 1-1 ਲੱਖ ਦੇ, 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਭਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਪਏਗਾ ਇਹ ਲੋਡ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
किसी ने चाहे 50 साल के पैसे जमा कराए, चाहे 10 साल के नहीं कराए, चाहे 14 साल के नहीं कराए, चाहे 1 साल के नहीं कराए, चाहे 1 महीने के नहीं कराए, जेड़ा पिछला बिल आया किसी का उसे जेड़ा बकाया लग के आया वो सारा माफ। स्टार्टिंग तो लेके हुण तक सारे मैं तो फिर कह रहा थोड़े पास बकाया थोड़ा जे 14 साल का भी आ रहा थोड़े बिल विच आ गया ना, वो अज थोड़े बिल च खड़ा है, वो जेड़ा थोड़ा बकाया खड़ा है वो असी उन्हें दे रहे, बिजली बोर्ड नूं पंजाब सरकार देगी, देना तो पड़ेगा सानू, माफ नहीं होना। ये 1200 करोड़ आएगा कितने जी? 1200 करोड़ मैं फिर दस रहा जी, हर किसी का बिल किसी ना किसी दिन आया, चाहे 15 दिन पहला आया, चाहे 1 महीना पहला आया, चाहे कल आया, जब बिल आया पिछला असि पिछला बकाया देखना, जेडे इस महीने का अगला उन्होंने पैसा आएगा उन्होंने देना है, उन्होंने अगे बिल जारी देने है, लेकिन जेड़ा पुराना बकाया खड़ा है जेड़ा कि जिदे करके पंदोला टपरिया पिंड उस तो वे करने वास्ते फार्म भरवाणगे साडी कमेटी देख के ओनू नोटिफिकेशन कद कर दिता जाऊगा जेड़ा सहूलत जद मैं कहता लास्ट बिल आया होया है ओदे जिन्ना बकाया खड़ा हो सीएम साहब को एह जा बकाया दा मतलब फिर समझ लो के रेगुलर बिल नहीं के इस महीने दा आया वो बिल नहीं जो बकाया खड़ा है सीएम साहब ये एह जा कोई मैकेनिज्म बनाया कि हुन ते तुसी बिल माफ कर दोगे जे 2 महीने बाद फिर वही 50,000 बिल आ गए ये जानन दी कोई नीति भी क्यों बिल आ रहे इस बारे अगली जेडी तुसी गल पूछ रहे हो मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस दसांगा 2-3 दिनां दे बाद कि किस तरह ऐसी आम बंदे का जिहड़ा बिल है ओनू कंट्रोल कर रहे हैं ताकि ओ उस नू सब तो बड़ा चेक है कि 2 किलो वाट इकोनॉमिकली प्योर पूरे किसी ने मोटर लाया मिडिल क्लास के जेडे लोग है यही थोड़ी बिजली यूज कर सकते जेडे अमीर आदमी उन्होंने तो 5-5 एसी लगे हुए वो नहीं असि कर रहे चेक 2 किलो वाट जी का लोड है 2 किलो वाट च काफी कुछ आ जाता पक्के आ जाते कूलर आ जाता है कई बड़ी छेती असी रेत माफिया का बिलकुल खात्मा कर लगे बड़ी छेती चाहे ओनू हफ्ता कह लो चाहे बस असी देखो दिन रात मेहनत विच लगे हुए है किस तरीके दे नाल सिस्टम नू सुधारिया जाए एक पुराना नेक्सस है ओनू तोड़ना है और असी ओनू तोड़न च कामयाब हो रहे है बड़ी छेती तुसी देखोगे कि रेत माफिया खत्म हो जाना मैं नवी पॉलिसी लेके आ रहा ओदी मेरी तैयारी चल रही है ये सारे मसले हल हो जाएंगे तुसी विश्वास रखो सीएम साहब मैं वापस तुहानू उत्थे इशू ते लेके आउणा जिहड़ा बिजली विभाग दी गल है एक मिंट जिहड़ा बिजली डिपार्टमेंट नू लेके आ एक बिजली महकमा ऐसा है जिहदे च बिल जिहड़े वध आउंदे आ उहनू लेके शिकायतां आउंदियां और एक ऐसा महकमा जिथे जाके सब दे हत्थ खड़े हो जांदे वी उत्थे कोई सुनवाई नहीं वध आ गया तां आ गया कि ओह सिस्टम च कमी किथे है ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਊਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿਆ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਆ ਉਸਮੇ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਆਪਕੇ ਉਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਜੀਪੀ और टेंट जो बाग जो मंत्री है दागी वो आपने अपनी कैबिनेट में शामिल किए और आप ऐसे अफसरों को लगा रहे हैं जिनका इतिहास भी कहीं ना कहीं दागी है इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें इस्तीफा दे दिया है इस्तीफे की कॉपी सोनिया गांधी को भेजी है और बाकायदा ट्विटर पर आप लाइव होकर उन्होंने अपना वीडियो भी जारी किया एजी और डीजी को सीधे तौर पे एतराज होना देखो जेड़ा प्रधान होता है वो हिंदी बोल तो सर लाइव हिंदी में बोल दीजिए जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है सो मैंने आज भी
सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसको उसके ऊपर चलती है। आप आओ बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते हैं। कोई बंदे सब दो लगाए आपने, कोई दो मेंबर बात करने के लिए, बात करने के लिए, बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब के बिहाफ पर उनको बात करने के लिए दो बंदों की क्या ड्यूटी लगाई है? क्या परगट सिंह या सिंगला साहब? परगट सिंह और कई मंत्री साहबान कल गए थे, आज या कल बात हो जाएगी उनको इन्वाइट कर रहे हैं। ये तरीका आपके पास हमेशा रास्ते खुले, आप कह रहे हैं कि मैंने फोन पे बात की, लेकिन इस तरह से इस्तीफा देना और उसके बाद सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं है? ये नहीं, कोई कोशिश नहीं है, इंटेंशनल कोई कोशिश नहीं है। तो उनको उनके साथ बात करेंगे बैठकर, जो भी बात होने वाली होगी। क्या यस बना के रखना चाहते हैं सिद्धू साहब की सीट पर? ये तो बात जो एक माहौल पंजाब का बनिया सी कि हां चलो बड़ा चंगा हो रहा है, वो तो सारा खत्म हो गया एक दिन दिन कुछ नहीं खत्म होता। महसूस करते हो कि नहीं करते? कुछ नहीं खत्म होता। सिद्धू साहब का एक ढंग ठीक है, तुम इस ढंग मैं इससे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन पंजाब के लोगों के मसलिया तो मैं ठिड़कना नहीं है। सिद्धू साहब का रिस्पॉन्स मैं पंजाब के लोगों बात से जो सीएम साहब गल की उन्होंने रिस्पॉन्स उन्होंने कहा आप बैठ के गल कर लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा उन्होंने मैंने ये भी किया कि मैं थोड़ा टाइम देवांगा। देखो गल है कि एक स्पेशल प्रोसीक्यूटर ऐसी बहुत तगड़ा वकील और उदे नाल कोई 10 बंदियां दी होर टीम लभ रहे हैं, जेडे साडे इम्पोर्टेंट हैगे है केस है मामले है उन्हां वास्ते पेश होने वास्ते एक स्पेशल टीम एक स्पेशल प्रोसीक्यूटर लगेगा उदे अंडर चलेगी। इस करके किसी तरह के शंके सुभा एटलीस्ट मेरे ते थोनू लोगों नू या पंजाब के लोगों नू नहीं होने चाहिए। पारदर्शी सारा कुछ काम होगा, जो साडे कलीग्स ने यार होर जिथे तो सानू फीडबैक मिली केड़े केड़े लगने चाहिए सी लगाए, लेकिन पंजाब के लोगों के अनुसार ही फैसले होने। जे किसी लगेगा ए नहीं ला इनू ला, मैनू कोई इतराज नहीं है, मेरी कोई ईगो नहीं है किसी भी गल दे विच, मैं बिलकुल क्लीयर है। जिस गल दे नाल लोकां दे विच कोई दंद चर्चा गलत जाती है मैं उस गल तो कदे कोई बजिद नहीं होने तैयार। हाँ, लेकिन मेरे जो मसले पंजाब दे लोकां दे जिन्हां वास्ते मैं लड़ाई करदा आ रहा, मैं वो लड़ाई तो पिछे नहीं हटांगा, एक इंच भी गुरु दे घर दे पिछे नहीं हटांगा। किसी तरह की गद्दारी या किसी तरह की बेईमानी या किसी तरह की करप्शन जिन्ने देर मैं मुख्यमंत्री नहीं होगी ये मैं बिल्कुल थोड़े विश्वास। बीजेपी ने चन्नी साहब